होली और रंगपंचमी के त्यौहार के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र फिर शुरू होने जा रहा है। आज विधानसभा का सत्र फिर हंगामेदार रहने के आसार हैं। बजट सत्र के बीच त्यौहार होने के चलते 9 दिन बाद सोमवार यानी कि आज विधानसभा का सत्र शुरू होगा। बजट सत्र में सोमवार को राज्यपाल के अभिभाषण के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के निलंबन को लेकर विपक्ष के आक्रामक रवैये और सत्ता पक्ष और विपक्षी विधायकों में नोकझोंक को लेकर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सदन की कार्यवाही को 3 मार्च तक स्थगित कर दी थी। लेकिन आपको बता दें कि विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पटल पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन रखेंगे और इसके अलावा माल सेवा कर अधिनियम की करीब 276 सूचनाएं रखी जाएंगे। विधानसभा में 7 संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पटल पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन रखेंगे।